बालोद और जयंती माता गांव के ग्रामीण जन ने जनप्रतिनिधियों से परेशान होकर चुनाव का बहिष्कार किया है। बता दें कि बालोद गांव के बीचों बीच बनी नदी के कारण बारिश में ग्रामीण जन गांव से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वहीं जयंती माता गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। दोनों गांव के प्रत्याशियों को भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे पहले साधना न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी जो बात है वो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी बात जो है लोकशाही लोकतंत्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम सभी ग्रामीण जन उनका धन्यवाद देते हैं, ताकि ये आभार व्यक्त करते हैं ताकि ये पुलिया का निर्माण और जो रोड का निर्माण है वो किसी भी परिस्थिति में पूरा हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। में ओम प्रकाश टेलर, भारतीय साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश से, और आज मैं आपको ग्राम पंचायत चोटिया बालोद की एक ऐसी स्थिति से अवगत कराने जा रही हूं। हमारी इस चैनल का उद्देश्य है कि यहां के ग्रामीणों ने दो कारणों से चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उस दो कारण में सबसे प्रथम जो हम कारण बताने जा रहे हैं, ये गाँव की एक छोटी सी पुलिया है, ब्रिज है, और यहाँ पर गाँव में जब हम आएंगे चोटिया बालोद में, यह जो गाँव है यहाँ पर दो पार्ट में है, एक इस ब्रिज के उस साइड में है और एक ब्रिज के इस साइड में। तो ब्रिज के उस साइड का जो गांव है, जब यहां पर ज्यादा बारिश हो जाती है तब ऐसी स्थिति बनती है कि घंटों तक यहां से वहां बाहर व्यक्ति जा नहीं पाता है। ये देखिए, यहां से हम आपको पूरी स्थिति दिखा रहे हैं, ये जो पूरी कंडीशन बनी हुई है, और यहां पर ये अक्टूबर महीना अभी चल रहा है और उसके बावजूद भी आप देखिए क्या स्थिति, यहां पर लगातार पानी अभी तक भी जा रहा है। और इसीलिए यहां के जो ग्रामीण जन है उन्होंने एक निर्णय लिया है सभी ने मिलकर कि भाई इतने वर्षों से हम लोग लगातार सारे नेताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का जो प्रत्याशी रहा हो, चुनाव जीतने के बाद विधायक बना हो, उनको यहाँ कई बार बुलाया गया, कई बार बताया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण से इन्होंने निर्णय लिया है कि भाई हम लोग जयंती माता धाम के लोग, साथ में चोटिया के लोग, बालोद के लोग, सब मिलकर हम इलेक्शन में वोट नहीं दें, क्योंकि वोट दें किसको, वही के वही उम्मीदवार हर बार आते हैं सामने, जो लोग सुनते नहीं हैं जरा से भी किसी की भी। ऐसी कंडीशन में देखिए आप, यहाँ पर एक और हम आपको दिखा दें क्या स्थिति यहाँ की, ये अभी तक पानी बह रहा है, और यहाँ पर जो है ब्रिज का कोई नामो निशान नहीं है। अभी अक्टूबर महीना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह स्थिति है। तो हम यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं, ये यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार लिखा हुआ है, और ये क्या कहना चाहते हैं हम इनसे ही सभी से जानेंगे। और सभी जो ग्रामीण जन जो सालों से यहाँ पे है, यहीं के निवासी है, उन्हीं की मुख से हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है इसका। हम जानते हैं बच्चों से, जिन बच्चों को वास्तव में यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ा स्कूल से आने के बाद, क्योंकि रास्ता यही है गाँव में अंदर प्रवेश करने का। तो क्या नाम आपका? बादल। बादल कौन सी क्लास में आप? नौवीं। तो बादल, क्या हुआ था जिस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी? उस दिन 24 घंटे बारिश हुई थी। उस दिन हम 4-5 घंटे यहाँ पे पंचायत पे बैठे थे और हमारे सरपंच साहब ने यहाँ पे हमारी व्यवस्था करी थी। अच्छा, सरपंच साहब दिनेश जी, दिनेश जी पूरा क्या नाम लिखते हैं? दिनेश मेड़ा। दिनेश जी मेड़ा, जब ये बच्चे यहाँ ऐसी कंडीशन बनी तो क्या आपने एक्शन ली? हाँ, लिया और दिया भी, सही अवगत भी कराया सामने। बाकी वो क्या है अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई इस बार। ये है दिनेश जी मेड़ा, यहाँ के सरपंच है, युवा सरपंच है, और रियली ये बहुत ही एक्टिव है यहाँ पे। इसके बावजूद भी इन्होंने भी, जैसे उप सरपंच साहब ने बताया भूतपूर्व की, हमने यहाँ पे कोशिश की कई वर्षों से, इन्होंने भी इनके स्तर पर कोशिश की। अब आप सोचिए, आज छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं, दसैया जहाँ भी ये स्कूल जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद में 4-4, 5-5 घंटे इन बच्चों को यहाँ लगातार इंतजार करना पड़ता है, बैठना पड़ता है कि जब पूर का पानी निकल जाए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अक्टूबर महीना है और अभी भी यहाँ पानी जा रहा है, तो सोचिए जुलाई अगस्त सितंबर में क्या स्थिति बनती होगी। और भी हम अलग अलग ग्रामीण जनों से जानेंगे उनकी समस्या। पहले हम यहाँ के शिक्षक हैं नीलेश जी पाटीदार, उनसे हम शुरुआत करते हैं। नीलेश जी, ये चुनाव का बहिष्कार जो सबने मिलकर किया है, इसका जो मुख्य कारण है क्या है? आज 28 अक्टूबर 2023 को सभी ग्रामीण जन आने वाले चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि कई दशकों से यहाँ पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है, और बारिश के दिनों में अगर इस वर्ष की बात करें तो दो दिन तक 16-17 सितंबर को जो लगातार बारिश हुई उसमें लगभग 5-5 फीट तक पानी बह के गया, और दो दिन तक कोई ग्रामीण जन इधर से उधर पुलिया को पार नहीं कर पाया, जिसमें मवेशियों की भी जान गई और ग्रामीण जन जिनकी तबीयत खराब हुई अचानक उनको तकलीफ हुई। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल जाते हैं उनको भी यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, और यह पुलिया आज ही नहीं कई दशकों से नहीं बनी है, और कई नेता यहाँ आए और गए
लेकिन आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने इस पुलिया का निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया। इसलिए हम सभी ग्रामीण जन मिलकर इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो ये नीलेश जी जो बता रहे हैं, दुख बता रहे हैं यहाँ का, भाई जो बच्चे स्कूल से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी कंडीशन बनती, जैसे अभी 24 घंटे लगातार बारिश हुई थी, तो उसके एक दिन पहले जिस दिन से बारिश हुई थी तो वहाँ पर पानी बना हुआ था लगातार। तो बच्चे जो थे स्कूल के, छोटे छोटे बच्चे थे जो यहाँ पर लगातार करीबन 3-3, 4-4 घंटे बैठे हुए थे। ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लोग अपने घर तक नहीं जा पाए थे जब तक इस पुर का पानी नहीं उतरा था। यहाँ मेरे साथ में गाँव के जो उप सरपंच है, श्री भूतपूर्व उप सरपंच श्री मोतीलाल जी पाटीदार, वो भी मेरे साथ में हैं, और यहाँ पर वो उनसे हम जानना चाहते हैं कि सर, जब आप यहाँ पर इस पंचायत में उस सरपंच रहे थे, तो क्या ये आखिर इस ब्रिज का काम क्यों नहीं हो पाया, क्या कहते हैं इस बारे में? हमें जब यहाँ 10 वर्ष से उप सरपंच रहा हूँ, तो मैंने बहुत से आवेदन दिए, बहुत से डिमांड किए, बहुत से नेताओं को बुलाया और बहुत से लोगों को अवगत कराया। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं, मैंने कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया और बहुत से लेटर दिए, यहां से लिख के प्रस्ताव बना बना के दिए, आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और यहां ग्रामीण गांव में इतनी बड़ी दिक्कत है कि पानी आने के बाद में गांव को 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार इधर के उधर संपर्क कट जाता है, और हमारे बच्चे जो अगर बाहर रह जाते हैं उनको घर तक पहुंच पाने में बहुत बड़ी असुविधा होती है, और गांव में जो भी बीमार हो जाता है, कोई महिला डिलीवरी केस हो जाता है, तो उसको ले जाने में हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा स्थिति में आता है और 5-6 घंटे तक पानी नहीं उतरता है। तो हम आज चुनाव के माध्यम से, आज विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम उसके माध्यम से हम चुनाव में वोट दे के करेंगे क्या, जब हमारी मूलभूत सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। हम कितने वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करने की ठान लिए और हम सभी ग्रामीण मिलकर इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इनका कहना है पाटीदार जी का, 10 वर्षों तक ये यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे, सभी नेताओं को अवगत कराया, और वास्तव में सच्चाई भी यही है कि ये वोट दें किसको, सरकार तो जब बनती है या नहीं बनती है, या यहाँ का विधायक विपक्ष में रहता है या पक्ष में रहता है, यदि एक इस गांव की ये छोटी सी समस्या यदि हल नहीं हो रही है, आज़ादी से लेकर अब तक भी ये कंडीशन है, तो निश्चित तौर पर ये एक सवाल घूमता है कि आखिर हम वोट दें किसको, आखिर ऐसा कौन सा नेता। आप देखिए, आप यहाँ पर, या आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आज भी अक्टूबर महीने में पानी में खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। है जयंती माता धाम जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर एक गुफा वाला मंदिर है, और ये बहुत ही पुराना, और यहाँ पर इन लोगों को भी नहीं पता है कि कितना पुराना है, और ये मंदिर है, और इस मंदिर को जो हमने बताया 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, और यहाँ की आस्था बहुत जुड़ी हुई है, ये बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। आगे और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इस साइड में जयंती माता है, और उधर उंडेश्वर धाम है, शिव जी का मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर को तक पहुँचने के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के ग्रामीण जनों ने इस ब्रिज का निर्माण करवाया है, ग्रामीण जनों ने, मतलब कितना बड़ा सहयोग है ये कि इस ब्रिज का जो निर्माण है यहाँ के ग्रामीण जनों ने करवाया, किसी नेता ने नहीं करवाया है। ये देखिए आप, यहाँ पर स्वर्गीय श्री गोबा जी एवं माता स्वर्गीय श्रीमती मीनाबाई की स्मृति में जयंती माता मंदिर पर पुल का निर्माण श्री राम रतन पुत्र वधु श्रीमती संपत्ति बाई एवं पौत्र श्री छोगालाल जी एवं पौत्र वधु श्रीमती मुन्नी बाई चोटिया बालोद द्वारा दिनांक 29/12/2012 को भूमि पूजन किया गया था। मतलब ये पूरी ब्रिज जो बनाई गई है, ये यहाँ के जन सहयोग से बनाई गई है, और ये ब्रिज बनाने का उद्देश्य है कि इधर माता जी का मंदिर है और उधर शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी वो जो क्षेत्र है पूरा, वहाँ ये पूरी समिति ने मिलकर यहाँ जन सहयोग से यहाँ पर पूरी हरियाली बना पूरा कर दिया है, जो कि पथरीली जगह थी। आप जरा एक देखिए, इधर क्षेत्र देखेंगे आप, यहाँ पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई देंगे। इन पत्थरों के ऊपर सोचिए जरा, इन पत्थरों के ऊपर मिट्टी डालकर पेड़ पौधे लगाना और इतना हरा भरा स्थान बनाना, और इसमें किसी नेता का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि सहयोग है तो वो जन सहयोग है, इस जन सहयोग से इस स्थान को बनाया गया है। तो अब हमारा उद्देश्य यही है साधना न्यूज़ का, कि लोगों तक ये खबर जाए कि वास्तव में जन सहयोग से कितना अच्छा काम हो सकता है। लेकिन आज यहाँ किसी भी संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका इनको किसी भी प्रकार से समर्थन या सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि खास जो सहयोग चाहिए वो रोड का चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, और यही कारण है कि साधना न्यूज़ ने मिलकर आप तक ये खबर भेजी है। नमस्कार, हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो दिनेश जी पाटीदार हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? क्या कहना चाहेंगे, इतने साल हो गए, 30 साल 40 साल हो गए हमको भी देखते देखते, यहाँ सब बीजेपी की पार्टी आई, कांग्रेस की भी पार्टी आई,
लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बहुत समस्या आती है, 24 घंटे तक बारिश होती है तो पानी का बहाव इतना रहता है कि किसी इमरजेंसी केस को अगर ले जाना चाहें तो वो संभव ही नहीं है। तो लोगों इतने परेशान हो रहे हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हैं, तो हमको हम समझ में नहीं पड़ रहा कि किसको वोट दें। ये बात भी सही, कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें, कौन हमारा काम करेगा? ये कितनी बड़ी बात है कि वोट दे किसको, आखिर करे क्या व्यक्ति, क्योंकि उम्मीदवार वही है सामने जिन लोगों को बहुत बार अवगत कराया जा चुका है। हमारे बीच में कैलाश जी पाटीदार भी, कैलाश जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ एक ही जनता को निवेदन करते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम दें तो किसको दें। अभी जो जुलाई अगस्त में जो पानी गिरा ना, उसमें 2 केस हो गए उधर आदिवासी क्षेत्र में, डेथ हो गई उनकी, वो ले जा नहीं पाए वहाँ पे, इसलिए हम तो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। सोचिए क्या स्थिति है। कैलाश जी ने बताया कि जब यहाँ पूर्व का पानी जा रहा था अगस्त सितंबर में, जब बारिश तेज हो रही थी, तो वो जो पेशेंट थे उनको, जिनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको ले जा नहीं पाए, और ऐसी कई बार स्थितियाँ बनी हैं यहाँ पर। इन्होंने जो कहा है कि ग्राम पंचायत चोटिया बालो, जयंती माता और इधर के जो गाँव के लोग हैं, युवा और बुजुर्ग, एक यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का और रोड भी है जयंती माता धाम का, जिसके बारे में हम चल कर आगे और बात करेंगे। और अभी जो इन्होंने यहाँ से शुरुआत हुई है इनकी बहिष्कार की, दोस्तों ये हमारे आज भी आज़ादी के बाद 70-80 वर्षों के बाद भी यदि किसी गांव के लोग इतने परेशान हैं, वो भी स्पेशली एक छोटी सी पुलिया के लिए, और इस पुलिया के कारण लगातार, मतलब कितना मन मारना है, कितना धैर्य रखना है यहां की जनता को कि वास्तव में यहां किया क्या जा रहा है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती है तो ये प्रश्न मार्ग किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, दोनों ही संगठन के ऊपर है। और ये संगठन के ऊपर के लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिनको आप प्रत्याशी नियुक्त कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो लोगों की बात सुन रहे हैं या सिर्फ आप अपने संगठन के आधार पर प्रत्याशियों को चुनते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी छोटी सी नहीं, सोचिए यहाँ पर बुजुर्ग लोग खड़े हैं, यहाँ पर बच्चे भी खड़े हैं, यहाँ पर युवा भी खड़े हैं, यहाँ के सरपंच जो अभी है वो भी है, जो भूतपूर्व उप सरपंच वो भी है, अभी के जो सरपंच श्री गोपाल जी पाटीदार वो भी यहां खड़े हैं। और सोचिए जो प्रत्याशी, जो जनप्रतिनिधि यदि यहां खड़ा है, इसका मतलब इन जनप्रतिनिधियों की भी ऊपर नहीं सुनी जा रही है। ऐसी स्थिति में आखिर जनता कहां जाएगी? जनप्रतिनिधि की यदि कोई नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर हमें इस बात को आगे तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। और आगे हम लोग आपको बता रहे हैं, जयंती माता रोड की स्थिति भी बताने वाले हैं और वहां का भी बताएंगे आखिर क्या स्थिति बनी। जयंती माता धाम, जो कि यहाँ पर हम यदि चोटिया बालो दसाई की उधर इस क्षेत्र की बात करते हैं, तो सबसे परम और बहुत ही पुराना धाम है, जहाँ पर इस क्षेत्र के सारे लोगों की श्रद्धाएं आस्थाएं इस स्थान से जुड़ी हुई है। और जिस जगह हम खड़े हैं, इस रोड से जयंती माता की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है, और ये 1 किलोमीटर का रोड सर कब से नहीं बना है? ये तो जब से भी माता जी का मंदिर था तो ये लोगों से चंदा वगैरह करके रोड ठीक हो रहा था। इसके संबंध में हमने CM साहब से, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जितने भी नेता थे, कुछ मंत्री भी आए थे, सभी से इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सूझ नहीं ली। अभी तक किसी ने भी इसकी सूद नहीं ली है। हम आगे आपको पूरा रोड दिखाएंगे कि किस तरह से इस रोड की दुर्दशा है, और दुर्दशा के बाद में कई बार यहाँ बारिश में जब मंदिर पर कोई कार्यक्रम रखा जाता है या पुजारी जो यहाँ के हैं उनको आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। यहाँ पर एक छोटा सा गाँव है जयंती धाम, जिसको बोला जाता है जयंती माता गाँव, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहवासियों को कितनी दिक्कतें होती है रास्ते में। ऐसी एक दो जगह बताएंगे, जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ बहाव पानी का इतना तेज़ होता है कि आना जाना भी वहाँ भी बंद हो जाता है। और ये जयंती धाम, यहाँ पर शायद जिले का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो इस धाम के बारे में नहीं जानता।